हेलो भाई, हो तो कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम शर्मा अपने एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे चैनल में पहली बार होने वाला है ऐसा कि हम पहली बार कोई ईवी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में, जो कि प्राइम आती है। एक इसमें दो मॉडल आते हैं, इसमें मैक्स आता है, एक इसमें प्राइम आता है, ठीक है। और ये इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है, इसमें भी काफ़ी सारे आपको मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। देखो फ्रंट में भी यहाँ पर आपको बेजिंग देखने को मिल रही है ईवी की, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं इस गाड़ी में, आपको जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी से है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसकी की के बारे में। ऐसी कुछ आपको उसमें कि नॉर्मल जो नेक्सॉन रेगुलर आती है उसमें आपको ऐसी की देखने को मिल जाती है, वैसी की वैसी, ठीक है। ऐसी कुछ आपको उसमें की देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के बारे में। फ्रंट्स में नो डाउट काफ़ी अच्छी लगती है और कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सिवाय इस आपको ब्लू और ग्रीन का हल्का सा कॉम्बिनेशन, मतलब स्काई ब्लू कलर का दे रखा है, ठीक है। यहीं पे आपका टाटा का बड़ा सा लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। ईवी की आपको फ्रंट में ही बेजिंग देखने को मिल जाती है। आपको जैसे सेम हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, हेडलैम्प यूनिट जो कि आपके रेगुलर नेक्सॉन में आती है। ये आपके DRLs, ये आपके हेलोजन सेटअप आता है पूरा पूरा। ये थोड़ा मेरे को कंसल्ट है, ये मेरा थोड़ा कंसल्ट है, थोड़ी ईवी है तो हेलोजन के बजाय इसमें LEDs आएंगे तो काफ़ी अच्छा ये प्रॉपरली काम करेगा। यहाँ पे आपका नीचे आपको इसमें फॉगलैम्प भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये आपको रेगुलर नेक्सॉन से थोड़ी सी अलग पहचान बनाने के लिए दिया गया है। ऐसे कुछ आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, आपको 4 नट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिनकी प्रोफाइल आपको मिलती है 215/60/R16 16 इंचेस के आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है, ठीक है। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, थोड़ा सा इग्नोर मार देना। आपको रियर सेंसर एक ही साइड देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे तक जाता है। यहाँ पे आपके ईवी की बैजिंग दे रखी है, काफ़ी जगह इसमें ईवी की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, रियर में आपको कोई भी डिस्क नहीं मिलके सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। रियर में नो डाउट काफ़ी अच्छी है, लगती है काफ़ी प्रीमियम ये गाड़ी, अट्रैक्टिव जो भी कहना चाहो ना सब कम पड़ता है इसकी गाड़ी का, ठीक है। ऐसे तो आपको उसमें LED टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, फिर एंटीना, इसमें रूफ थोड़ी सी सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और नेक्सॉन की वो ईवी की बैजिंग, और यहाँ पे जिप्ट्रॉन जो एक कॉन्सेप्ट है टाटा का वो दे रखा है, ठीक है। यहीं पे आपको इसमें रिक्वर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अब बैक से आए हैं तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। इस गाड़ी यहीं पे देखो आपको इसमें रियर वाइपर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाटा की जो क्रिएटिविटी करता है, ठीक है, टाइगर लेपर्ड वगैरह लगा रखे हैं। यहीं पे आपको रिक्वर सेंसर देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है थोड़ी एसेसरीज के लिए। ये आपकी पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। यहीं पे इस गाड़ी में आपको 315 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा बड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। इस गाड़ी में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ठीक है। ये आपकी एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको ग्राउंड क्लियरेंस निकाल के दे देती है, ठीक है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बाद में आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में। इस गाड़ी में आपको 2498 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है, एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। अब आप सोच रहे हो ये गाड़ी तो ईवी है, लेकिन यहाँ पे आपका इसमें फ्यूल फिलर कैप देखने को क्यों नहीं मिलता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी फ्यूल फिलर कैप देखने को नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको चार्जिंग शॉट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपका रेगुलर चार्जर जो आप घर से चार्ज करोगे, और ये आपके पावर चार्जर के लिए, जो दोनों ही आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। भाई ये गाड़ी आपको लगभग 16,30,000 की एक्सोरूम प्राइस पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको इंटीरियर कैसा ऑफर किया जाता है, क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिल जाते हैं, तो बात करते हैं इसके इंटीरियर में जाके। शुरुआत करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से, ठीक है। ऐसा कुछ आपको इसमें रेगुलर जो नेक्सॉन आती है वैसा का वैसा डोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, थोड़ा सा फैब्रिक के टच दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVMs के कंट्रोल, ये डोर लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपके स्पीकर की प्लेसमेंट, और ये आपके ट्विटर्स। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स दो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर में जाके क्या क्या आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मैनुअल ही देखने को मिल जाती है, फैब्रिक सीट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आपका देखो ये ऐसा काम किया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है। एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है, अगर ये गाड़ी आपकी ईवी है तो यहाँ पे जो फ्यूल लीड है इसमें आपको पेट्रोल का निशान क्यों दे रखा है, जो कि एक बद्दा लगता है। इस गाड़ी में आपको 2 ही पेडल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अंदर में जाके क्या क्या आपको अंदर देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ आपको टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम का
एक्सजेड प्लस का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है ऐसा कुछ आपको इसमें इंटीरियर देखने को मिलता है। रेगुलर नेक्सॉन का जैसा ही आता है इसका इंटीरियर, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और ये थोड़ा सा इंसर्ट देखने को मिल जाएगा जो ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सेंटर कंसोल में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील, आपको ऐसी कुछ आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका टाटा का लोगो और हॉर्न आपको बता देता हूँ, ड्यूअल टिप है, और यहाँ पे आपके एमआईडी के कंट्रोल है, और यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के कंट्रोल दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के हेडलाइट सीट्स के बारे में, ऐसे कुछ आपको हेडलाइट सीट्स कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए गए हैं इस गाड़ी में आपको, और यहीं पे आपको इसमें हैजार्ड लाइट का स्विच दे रखा है, ऐसे कुछ आपको इसमें एसी वेंट्स दिए गए हैं। एसी वेंट्स का थोड़ा सा शिकायत है यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, यहाँ से कोई भी आपको हवा नहीं आती है, ठीक है, ये थोड़ा सा यही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आपको देखो पुश स्टार्ट बटन भी दिया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, ठीक है, जिसमें कोई कंसर्न नहीं है, काफ़ी अच्छा है नो डाउट। एक थोड़ी सी मेरे को शिकायत है, जब आप यहाँ टेम्परेचर चेंज करोगे तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो यहीं पे दिखता है, देखो ऐसा कुछ आपको इसमें सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है। आमरेस स्पेस वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखने, थोड़ा स्पेस, यूएसबी टाइप ए चार्जिंग सॉकेट और 12V का सॉकेट, ग्लो बॉक्स काफ़ी स्मूथली ओपन होता है। यहीं पे देखो आप इसमें लेपर्ड का सिंबल भी बना हुआ है, और काफ़ी डीप एक्चुअल में ये है जो कि कोल्ड ग्लो बॉक्स के साथ में आता है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स देखने में जाते हैं, जो कि क्वालिटी एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया है। ये थोड़ा सा मेरे को ये क्या थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये मेरे को क्वालिटी में डिफरेंस लगा, देखो यहाँ पे तो ये इतना जल्दी जा रहा है, और यहाँ देखो कितना, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस, ये आपकी एलईडी लाइट्स के लिए और रीडिंग लैंप्स के लिए। ऐसा कुछ आपको इसमें मैनुअल IRVM देखने को मिल जाता है, सनशेड्स, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलती है, स्पेस के मामले में नो डाउट काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी में। आपको देखो यहीं पे आपको तीन मॉडल्स दिए जाते हैं, ठीक है, और देखो यहाँ पे जैसे खड़ी आपकी न्यूट्रल में खड़ी है, गियर को प्रेस करके यहाँ से जैसे अपन इसको नॉब को चेंज करेंगे, स्पोर्ट्स पे, ड्राइव, नॉर्म, न्यूट्रल, और ये रिवर्स, रिवर्स कैम पार्किंग कैमरा चेक करवा देता हूँ आपको। ऐसा कुछ आपको उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी भी नहीं है तो काफ़ी ख़राब भी नहीं है। यहीं पे आपको देखो नेक्सॉन की बेजिंग भी देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसके रियर के बारे में, क्या कुछ आपको इसमें रियर में स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट ही देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है। अब बस यही था आगे फ्रंट में, इसमें आपको कोई भी खास फीचर्स नहीं दिया जाता ऐसे कुछ, इसमें ना आपको कोई क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, और अगर आप इसमें रैव करते हो ना न्यूट्रल में तो आपको कोई भी साउंड नहीं आती है। अब बात करते हैं कि रियर के बारे में, क्या कुछ आपको इसमें रियर में स्पेस देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ आपको इसमें रियर पैसेंजर साइड डोर देखने को मिलता है, काफ़ी फैब्रिक यूज़ किया गया है एक्चुअल में पीछे, वो बहुत ज़्यादा देखो यहाँ से स्टार्ट पूरा फैब्रिक है, ठीक है। यहाँ आपको पियानो रखने डोर को ग्रैपन, ये थोड़ा छोटा सा है बच्चों के लिए तो ठीक है, अलग बड़ों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ये आपकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, बात करते हैं इसके अंदर जाके, एज यूजल मेरी हाइट आपको पता है 6 फीट से, मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। मैं बात करता हूँ पीछे की सीट, नो डाउट काफ़ी कंफर्टेबल है, देखो काफ़ी कुशनिंग्स काफ़ी अच्छी इसमें यूज़ की गई है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में जाके, भाई साहब क्या कंफर्टेबल है, कितनी वो मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं, ये आपका सेंटर कंसोल, यहाँ से आपको ऐसा इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। पीछे कोई भी आपको रीडिंग लैंप्स देखने को नहीं मिलते हैं। एक मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे आपका 12V का सॉकेट दे रखा है, अगर आप पीछे वाला यहाँ पे आपको कोई ना देखे यहाँ दे रखा है, जो कि काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी अच्छा कंसल्ट है, ठीक है। उससे ये कॉस्ट कटिंग बच गई इनकी, कॉस्ट कटिंग भी हुई है लेकिन एक स्मार्टली तरीके से इन्होंने हैंडल किया उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे भी देना पड़ता और एक बूट में उनको देना पड़ता, जो इन्होंने यहाँ पे ना देखे बूट में ना देखे यहाँ दे दिया सेंटर में, जो कि एक्चुअल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका लेग रूम, ठीक है, लेग रूम थोड़ा सा कम मेरे को फील हो रहा है रेगुलर नेक्सॉन से, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन, जो इसमें मेन फीचर्स हैं, ठीक है, इस गाड़ी के बैटरी के बारे में। अब बात करते हैं इस गाड़ी की बैटरी के बारे में, इस गाड़ी की बैटरी आपको 30.2 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें कि इस गाड़ी की रेंज 312 किलोमीटर टाटा क्लेम करती है, ठीक है। एक्चुअल में इसकी जो रियल लाइफ एवरेज है वो काफ़ी अलग निकल के आती है, लेकिन
टाटा जो क्लेम करती है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये गाड़ी आपको 127 की BHP और 245 NM का टॉर्क निकाल के देती है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है, एक नेक्स्ट रेगुलर गाड़ियों से काफ़ी अच्छा ये निकाल के दे देती है। ठीक है, इस गाड़ी के मतलब हुड फ्रंट हुड ओपन करके कैसा कुछ आपको इसमें, अब आप देखो गाड़ी आपकी स्टार्ट है, इतनी आपकी इसमें रेडिएटर मतलब AC ऑन है इसलिए इसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उस गाड़ी को हुड ओपन करके। देखो अब ये गाड़ी आपकी स्टार्ट करी है प्रेजेंट टाइम में, अगर आप इसमें जैसे कि आपको D में डाल के चलाओगे तो ये गाड़ी चलने लगेगी। देखो साइलेंटली जैसे अभी चलेगी ना तभी ये आवाज़ करेगी। मैंने इसकी AC अभी ऑफ कर दी है। ठीक है, AC ऑफ होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में कितनी आवाज़ निकल के आ जाती है। देखो रेडिएटर फैन की जो आवाज़ निकल के आएगी ना वो तो निकल के आएगी। ठीक है, अभी रेडिएटर फैन स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो कितने स्मार्टली इसका प्लेसमेंट किया गया है। ठीक है, ये पूरा इसका छुपा दिया गया है जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप कूलर डाल सकते हो बैटरी को ठंडा रखने के लिए। EV ZipTron की बैजिंग दे रखी है, कोई भी आपको इसमें वो देखने को नहीं मिलती है, इंसुलेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ऑल ओवर लुक्स के बारे में, क्या कुछ आपको इसमें गाड़ी में कमी देखने को मिल जाती है। लुक्स के मामले में नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ऐसे कुछ आपको उसमें DR जलते हुए दिखते हैं। इसी में आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखो इधर आपका इंडिकेटर चल रहा है, इधर आपका इंडिकेटर नहीं चल रहा है, ये देख लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के वाइपर्स के बारे में। वाइपर्स का नो डाउट काफ़ी अच्छे, ठीक है, नो डाउट मतलब काफ़ी अच्छे इनकी क्वालिटी है। विंडशील्ड काफ़ी कर्व है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के ऑन एक्चुअल प्राइस के बारे में। ये गाड़ी आपको आंकड़ फॉलोअर्स दौसा में 16,30,000 के एक्सोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की वेटिंग के बारे में। वेटिंग में लगभग 2-3 महीने की इस गाड़ी की वेटिंग निकल के आती है, जो कि ठीक है अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के चार्जर के बारे में, जो कि मेन कंसर्ट है। यहाँ पे देखो इसका चार्जर दिया गया है, चार्जर गन बोलती है इसको टाटा। ठीक है, इसमें आपको देखो टाटा मोटर्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये ऐसा कुछ आपको उसमें चार्जर स्पेसिफिकेशन है। ये गाड़ी ये आपका 13 एम्पियर का चार्जर आपको देखने को मिलता है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, ऐसी कुछ थी आपकी टाटा की नेक्सॉन EV प्राइम। ठीक है, गाड़ी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, गाड़ी अच्छी लगी तो भी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।